ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है, हम किसी भी प्रकार की अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। तो बचपन से मैंने, सौरभ ने और राहुल ने भानगढ़ फोर्ट के बारे में काफी भूतिया कहानी सुनी हुई थी। माना जाता है कि भानगढ़ फोर्ट दुनिया के सबसे डरावनी जगहों में से एक है, जहाँ पे भूतों का वास है और शाम होते ही फोर्ट के अंदर जाना इलीगल है। So guys, we are all set to go to the Asia's haunted place, which is known as Bhangad. हम से बहुत सुना है इस जगह के बारे में कि ये बहुत डरावना है, यहाँ भूत निकलते हैं, मेला लगता है और उतनी भी निकलती है, उतनी भी निकलती है। तुम बताओ। हम नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे? हम नहीं जाएंगे भैया, ये आखिरी रात है। हम इसलिए नहीं जा रहे ना क्योंकि कोई भी होना चाहिए जो कहानी बताए, लेकिन दुआ है कि ये लोग बढ़िया से जाए, सेफ जर्नी आए। So this is start of new journey trip to Bhangad. और ये रात के अराउंड 11-12 बज रहे हैं और हम लोग भानगढ़ के लिए निकल चुके हैं और आप रास्ता भी देख सकते हैं, बहुत खूबियाँ है। तो हमें राहुल बताएगा कि हमारा रूट क्या रहेगा। तो राहुल, रूट क्या है हमारा? सो हम अभी निकले हैं गोनेर से, यहाँ से हम जाएंगे रिंग रोड पे, रिंग रोड से कनौता वाले रोड पे, वहाँ से हम जाएंगे आगरा रोड होते हुए भानगढ़। सो गाइस, देखिए ये पुलिस वाले अभी जस्ट हमारे से बातें किए कि रात को आप लोग कहाँ जा रहे हो। हम लोग, मैं थोड़ा घबरा गया बट राहुल मैनेज कर दिया क्योंकि राहुल यहाँ का लोकल है। और यहाँ पे देखिए फ्लाइट जा रहा है। जिंदगी का सफर अजनबी, अजनबी सांसों की रह गुजर अजनबी, ना तुझे है खबर ना मुझे है खबर, चल रहे हम मगर अजनबी। तो गाइज, हम लोग रामपुर आ चुके हैं, यहाँ पे हम लोग टी ब्रेक के लिए रुके हुए हैं। टी ब्रेक के बाद हम लोग फिर से हमारी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। अराउंड 1 बज चुका है और हम लोग 2 बजे तक जैसे कि पहुँचना है। सो चाय पी के जल्दी से जाते हैं और आपको दिखाते हैं व्यूज। सो भाईसा, हम लोग ये चाय पी रहे हैं, लव टू यारी आओ बेटा, हमें चाय पी उचो पैनचो चाह, पानी वाला चाह पूरा। सो गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें राइट काटना है भानगढ़ के लिए। जर्नी हैज़ बीन स्टार्टेड, इट्स अराउंड 1:30 नाइट, लेट्स एक्सप्लोर भानगढ़। सो गाइस, हम लोग अभी जस्ट एक भानगढ़ का बोर्ड को क्रॉस करके गए। जैसे ही हम लोग यहाँ घुसे, टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता गया है, अचानक से बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है। और आप लोग तो मुझे जानते हैं, मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। और हम लोग बहुत डेलिकेटली इस चीज़ को डील कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मजाक मजाक में हम लोग उस जगह को चले जा रहे हैं एंड वी आर एक्सप्लोरिंग थिंग्स, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम लोग बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के डिसीजन लेके लोगों से पूछ के जा रहे हैं। सो स्टे ट्यून, देखते हैं आगे क्या होता है वीडियो में। गूगल मैप्स वाला रोड कितना खराब है, मेरे को आज ऐसा द नाइट एट विंटर लैस वाला फील दे रहा है मेरे को आज। खेत होते क्या ये? पूरा ही खेत तो नहीं, ये पूरा सूखा पड़ा रहेगा नहीं वहाँ सूखा। सो एक रॉन्ग टर्न के वजह से हम लोग एक ऐसी जगह में आ गए थे जहाँ पे हमें एक काला तालाब दिखा, काले कौवे थे, डिफरेंट डिफरेंट काइंड के बर्ड्स थे। और मतलब वो लोग अचानक से चिल्लाने लगे बहुत जोर से, और मतलब उनका आवाज़ इतना डरावना था कि मैं मतलब बता नहीं सकता, आप सुनिए। ये थोड़ा ही होगा मेरे हिसाब से उतना। ये उस जगह से जल्दी निकल के हमने पहले भक्ति वाला सॉन्ग लगाया। स्कूटी चलाते चलाते मुझे अचानक से मेरे राइट साइड में ये दिखा, ऐसा लगा कि कोई खड़ा होके देख रहा है। अब हमने एक ऐसी गलती कर दी जिसके लिए हमारी जान भी जा सकती थी। ये जो आप देख रहे हैं रास्ता, ये भानगढ़ का प्राइवेट प्रॉपर्टी लग रहा है भाव मेरे को। नॉट श्योर कि ये किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी है क्या है, लेकिन हम अभी ये गेट को खोल के अंदर जा रहे हैं। उसको एक तरफ से खींचो और खोलो। क्या क्या कर रहे हैं यार कॉलेज के बाद? कॉलेज में करते थे, गेट बंद किया जा रहा है अभी। अब देखिए, राहुल ने गेट बंद किया है, ठीक है।
तो गाइस अभी जो हम लोग गेट खोल के अंदर गए थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टीज था, और हम लोग गेट लॉक करके अंदर घुसे थे, बट आते टाइम में वो गेट ओपन था, तो थोड़ा सा शॉकिंग था। शायद हम लोग ने अच्छे से गेट नहीं दिया होगा, बट सौरभ को एक जब हम लोग बैक किए वो प्राइवेट प्रॉपर्टी से, तो सौरभ को गेट खुलने का आवाज़ सुनाई दिया, बहुत ज़्यादा हॉरेबल फीलिंग था। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी में चले जाते हैं तो वहाँ पे सूट एंड साइड का ऑर्डर रहता है, तो वो आपको मार भी सकते हैं। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप जितना जल्दी प्राइवेट प्रॉपर्टी से निकल सकें तो आप निकल जाइए। सो गाइज लेफ्ट साइड में एक आदमी ही बैठा हुआ था, मुझे भी आदमी ही लगा, और राहुल को पता नहीं ऐसे क्यों लगा कि कुछ कोई और मतलब देख रहा है उसको अलग तरीके से, बट मुझे भी वो आदमी लगा क्योंकि मैंने उस कुत्ते को गाली दी, इसके वजह से शायद वो आदमी हमें ऐसे घूर घूर के देख रहा था कि ये रात को कौन आ गया। देखिए भानगढ़ फोर्ट नजदीक आ गया क्या, एक बार कोई है क्या? आप सभी ने मेरा, राहुल का और सौरभ का आवाज सुना हुआ है, ये आवाज किसकी थी? नहीं कोई नहीं। ये देखिए भानगढ़ का फोर्ट, हम लाइट नहीं जलाएंगे गाइस, रुक साथ में चलते हैं सब। कहाँ रख रहा है वो? सो गाइस देखिए, आप सुनिए, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, कोई एक मंत्र पढ़ने का आवाज आ रहा है या फिर कुछ बोल रहा है कोई, मंत्र पढ़ रहा है कोई। उधर उधर ये दरवाजा भी बंद है। जब हमने ऊपर देखा तो हमें पता चला कि आज फुल मून नाइट है, मतलब पूर्णिमा की रात। गाइस आप देख सकते हैं हम लोग भानगढ़ के फोर्ट के पास हैं, अभी अराउंड 2:26 AM हो रहा है। एक बार रिफ्रेश करके दिखा दो भाई कि बहुत जेन्युइन टाइम है ये, ये देख सकते हैं आप गूगल टाइम 2:26 AM सैटरडे 30 जुलाई 2020। कुछ भी यहाँ पे झूठ नहीं है, पूरा सच्चाई है। हम लोग भानगढ़ पहुँच चुके हैं, थोड़ी देर के अंदर हम लोग जाने वाले हैं भानगढ़ के अंदर। ये जो दीवार है वो फोर्ट का दीवार है, हम लोग इसको फांद के अभी जाने वाले हैं फोर्ट के अंदर। बहुत बड़ा है, कम से कम 15 फीट का होगा। कहते हैं इस किले में राजकुमारी रत्नावती रहती थी, जिसकी खूबसूरती की चर्चा बहुत दूर दूर तक की जाती थी। किले के पास एक सिन्हाई नाम का तांत्रिक रहता था, जो राजकुमारी की खूबसूरती पर मंत्रमुग्ध हो गया था और किसी भी कीमत पर राजकुमारी को हासिल करना चाहता था। एक बार राजकुमारी अपनी दोस्तों के साथ बाजार इतर खरीदने निकली थी। उस तांत्रिक ने ये देखा और काले जादू की मदद से इतर में कुछ मिला दिया, जिसे लगा कि राजकुमारी उसके वश में हो जाती। किसी नगरवासी को इसकी भनक लग गई और उसने राजकुमारी को जाके ये सब बता दी। ये सब बात सुनने के बाद राजकुमारी ने वो इत्र की बोतल महल के बाहर फेंक दी, जो कि एक चट्टान पे जाके टकराया। काले जादू के लिए वो चट्टान उस तांत्रिक की ओर आकर्षित हुआ और उसे कुचल डाला। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए उसने भानगढ़ को श्राप दिया, भानगढ़ तो कभी सुखी नहीं रहेगा और यहाँ जो भी निवास करेगा सब मारे जाएंगे। उसके कुछ दिनों बाद मुगल ने भानगढ़ में घुस के उसे कब्जा कर लिया। उस लड़ाई में 10,000 से भी ज्यादा लोग मारे, औरत छोटे छोटे बच्चे और राजकुमारी रत्नावती को उनके कमरे में जाके मार दिया गया था। कहानियों की माने तो आज भी उनकी आत्माएं वहां पे भटकती रहती। भानगढ़ की कहानियां भानगढ़ में ही रह जाती।